हेलो स्टूडेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आज हम लोग यही जानेंगे कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स और उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है ठीक है तो दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम टेकन तो कॉन्सिडर हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि कॉन्सिडर ए बॉडी ऑफ मास एम एक बॉडी का मास चूंकि एम है जो हैविंग इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी विल बी तो जिसका इनिशियल मोमेंटम हम लोग बोल सकते हैं क्या कि क्या होगा इनिशियल मोमेंटम होगा बॉडी का एम यू ठीक है उसके बाद सपोज अ फोर्स एफ माना कि एक फोर्स एफ जो अप्लाइड किया जा रहा है टाइम टी में और जिसके कारण फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है वी हो जा रहा है और मोमेंटम क्या हो गया फिर भी हो गया एम भी हो गया तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया एम भी हो गया तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई टी उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम और भी माइनस यू को हम लोग यहाँ पर यदि ऐसे लिख दिए एम को कॉमन लेके तो चूंकि हम लोग क्या जानते हैं कि एक्सोलेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंट चेंज इन वैलोसिटी तो फाइनल वैलोसिटी माइनस इनिशियल वैलोसिटी ठीक है बाई टाइम टेकन तो ए इज इक्वल टू क्या हुआ ए इज इक्वल टू हो गया वी माइनस यू बाई टी यदि हम यहाँ पर यहां पर हमने लिख दिया ए तो हटाएंगे के, के तो, तो, तो के को यदि तो हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम इंटू एफ इज इक्वल टू मस इंटू एक्सलेशन ए इज इक्वल टू तो इसीलिए एक्सलेशन देशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एक्सेलेरेशन क्या हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया जो अप्लाइड फोर्स जो लगाया गया एक्टिंग ऑन इट ऑन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ किसके टू द मास ऑफ द बॉडी ठीक है इस तरह से हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं ठीक है आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं इससे आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा और दिखेगा और समझ में भी आएगा ठीक है आप इसको ऐसे भी देख लीजिए तो इस तरह explosion. से हम दे सकते हैं न्यूटन्स के सेंड़े लॉ के अनुसार हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं ठीक है और मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए थैंक यू